नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए कुछ लेके आए हुए हैं। ट्रक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो ट्रक में हम क्या क्या हमको चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कैसी सावधानी हमको बरतनी चाहिए, गाड़ियों के टायर के बारे में हम आज बात करेंगे, और बांग्लादेश बॉर्डर में एंट्री के बारे में आज हम बात करेंगे, और एवरेज के बारे में बात करेंगे, डीजल के टैंक के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो हम इनवाइट करते हैं मिस्टर सतबीर जी को। लास्ट टाइम भी हमारे इनसे बात हुई थी, अभी ये 4 वीक्स के बाद आए हुए हैं। तो आइए हम इनसे एक बार बात कर लेते हैं और कुछ जानकारी हम भी हासिल कर लेते हैं और आपको भी हासिल कर देते हैं। आइए मिस्टर सतबीर जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, 10 टन और 12 टन के बारे में बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि गाड़ी 10 टन की है या 12 टन की है। तो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं लोग कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 10 टन गाड़ी को 12 टन में पासिंग करवाते हैं, जो कि इलीगल है, जिसमें आपकी पकड़ हो सकती है और आपका जो लगा लगाया जो खर्चा जो है पैसा है वो भी आपका वेस्ट हो जाता है। तो सतबीर जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस गाड़ी में, जैसे कि यह गाड़ी आप देख रहे हैं, ये अशोक लेलैंड की इकोमेट गाड़ी है, ठीक है, और इसमें क्या हो, इसमें क्या है कि ये 12 टन पासिंग है और ये जेन्युइन पासिंग है, आरसी में भी जेन्युइन है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 10 टन वाली गाड़ी को 12 टन में पासिंग करवाते हैं, लेकिन आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं ये ऑलरेडी 12 टन ही है। 12 टन 22 फीट इस गाड़ी का टोटल वेट है 18,500। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 16,200 वाली जो गाड़ी है उसको आरसी में पास करवा के वजन बढ़वा के इलीगल तरीके से उसको 12 टन करवाते हैं। इससे पकड़ भी हो सकती है और चलान भी हो सकता है आपके ऊपर। तो आइए हम बात करते हैं मिस्टर सतबीर जी से। तो मिस्टर सतबीर जी, मुझे ये बताइए, ये गाड़ी आपकी 12 टन है, ये आप बताइए 12 टन कैसे हुई और आपने इसके लिए क्या किया, दर्शकों को बताइए आप। ये शुरू से ही 12 टन आई है, 18 टन 500 की पासिंग है इसकी और ये शुरू से 12 टन ही आई है। कागजों में, आरसी में सब 12 टन, 18 टन 500 ही आएगा, ऐसा है। 16,200 जो पासिंग थी उसको लोगों ने 18,500 करवाए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, इलीगल है। हाँ, इलीगल है। और ये 18,500 शुरू से ही कागजों में आरटीओ से ही 18,500 के उस पे आई हुई है, वैसे पास हो गए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आप भी आइए जी। 1 2 3 गो। अभी जो 10 टन में जो गाड़ी आ रही है, 10 टन 22 फीट में जो गाड़ी आ रही है, उसमें क्या होता है कि आप मुझे बताइए सर कि कितने कितने इंच के टायर उसमें आते हैं जो 10 टन की गाड़ी आती है। 10 टन की जो पासिंग गाड़ी रहेगी, 920 के टायर आएंगे उसमें। जो 18 टन 500 रहेगी गाड़ी, 12 टन 500 पासिंग रहेगी उसमें, 1020 के टायर लगाना जरूरी है। तो आप एक बार टायर पर फोकस करके दिखाइए। 1020 के टायर लगे हुए हैं, आप टायर देख सकते हैं। अच्छा, ये आपने खुद लगवाए हैं या कंपनी से लग के आए? नहीं, खुद लगवाए हैं ये। अच्छा अच्छा, 920 के टायर कामयाब नहीं है इसमें, 1020 के टायर। ये आप देख सकते हैं 1020 का टायर है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले जो टायर लगे हुए थे इसमें, उसमें 920 थे, 920 के टायर थे, अब ये 1020 के टायर है। तो वो टायर आपने क्यों बदले, ये भी दर्शकों को आप बता सकते हो? तो उसमें टायरों की जो एवरेज है वो नहीं चला है। Okay. वो 8 महीने में पूरा टायर खत्म हो गया। अच्छा, नया टायर आपका 8 महीने में, 12 टन 500 में 8 महीने में टायर खत्म हो गए हैं, इसलिए 1020 के लगाए हैं। अभी तक 4 महीने हो गए हैं टायर को, कोई वो नहीं आया है। आप एक बार देख सकते हैं, 4 महीने टायर को हो चुके हैं। मैं आपसे ये कुछ जानना चाह रहा था कि इसमें सर ये क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन एवरेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एवरेज में कोई फर्क नहीं आया है, अभी भी 6.35 का एवरेज दे रही है गाड़ी। ओके ओके, तो एक बार आप आ जाइए। मुझे ये बताइए, ये जो पीछे जो टायर है, ये इसका क्या साइज है फिर? ये भी 1020 के ना। मुझे ये आपकी जो टैंक है ये बड़ी क्यों लग रही है सर? ये बड़ी करवाई। अच्छा, ये आपने खुद ही आफ्टर मार्केट करवाई है? हाँ हाँ, ये बढ़ाई हुई टैंक है। तो दोस्तों, इन्होंने खुद ही कंपनी फिटेड जो टैंक आता है वो क्या कारण रहा आपका, आपने क्यों बदलवाया? तो जैसे कि हम लोग गुवाहाटी गाड़ी भेजते हैं, लंबा भेजते हैं, तो उसके लिए डीजल, जैसे कि यहाँ से डीजल अपने पंप से फुल करके ही टैंक भेजते हैं, गुवाहाटी गाड़ी पहुँच जाता है। ओके। और वहाँ से फिर फुल होती है तो गाड़ी यहाँ आ जाती है, तो रास्ते में डीजल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों देखो, इसमें मिस्टर सतबीर जी ने हमको ये बताया कि अगर लंबे रूट के लिए गाड़ी अगर जा रही है तो उसमें ये खुद ही अपने आंखों के सामने डीजल फुल करवा करके ओके करके देते हैं,
और क्या होता है कि उनको वापस आने में भी उनकी गाड़ी जा करके और वहाँ से डीजल भरा के गाड़ी वापस आ जाती है। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने खुद के यूटिलाइज के लिए इस टैंक को 360 लीटर का किया है। अच्छा, ये पहले कितनी कैपेसिटी थी इसमें? पहले इसके थी अपना 180 की। ओके, अभी 360 लीटर की। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, जब आपने ये गाड़ी परचेस करी थी, जब आपने गाड़ी ली थी, तो आपका एवरेज कंपनी कितना बताई? कितना बताया कंपनी ने? तो 7 का एवरेज बताया है। अच्छा, लेकिन 40,000 किलोमीटर तक एवरेज गाड़ी ने नहीं दिया था, 5-40 के ऊपर गाड़ी एवरेज नहीं बढ़ा था। अच्छा, और 40,000 सर्विस होने के बाद में 40,000 किलोमीटर की सर्विस किए, उसके बाद में एवरेज बढ़ा है। अभी 6-35, 40-45 का एवरेज गाड़ी निकाल रही है 12 टन में। ओके, तो कंपनी ने 7 का एवरेज इनको क्लेम किया था कि 7 का एवरेज, 7 का एवरेज आपको मिलेगा, लेकिन अभी ये कितना आपको, 5-35, 40-45 बस इतना ही एवरेज है, उसके ऊपर एवरेज नहीं आ रहा है, एवरेज नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो गाड़ी में अभी तरपाल और रस्सा आपने दिया हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ का लोड आप भर के जा रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं आप गाड़ी? बांग्लादेश का लोडिंग है इसमें, बांग्लादेश की लोडिंग है इसमें, और अपना बॉर्डर पे जाएगी, बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर वहाँ अनलोड होगी। अच्छा अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए आप बांग्लादेश में जा रहे हैं, तो उसमें एंट्री करने के लिए क्या करना होता है? उसमें एंट्री करने के लिए गाड़ी की आरसी लगेगी और ड्राइवर का ओरिजिनल हैवी लाइसेंस लगेगा। अच्छा, हैवी लाइसेंस लगेगा, ध्यान दीजिए आप भी। हाँ, हैवी लाइसेंस लगेगा, अगर लाइसेंस आपके पास हैवी नहीं है तो वहाँ इंटर नहीं हो सकते आप, और 2 नंबर में पकड़े भी जा सकते हो। अच्छा सर, मैंने वहाँ कई बार ये बांग्लादेश के बारे में ये सुना था कि जैसे कि हम बांग्लादेश चले जाते हैं तो खाली होने में, अनलोडिंग होने में काफ़ी समय लग जाता है, कि माल खाली ही नहीं हो पाता है। सामने वाली पार्टी के ऊपर रहता सर, ये सामने वाली पार्टी जब तक माल नहीं मंगाएगी जब तक खाली नहीं होगा। आप 10 दिन भी खड़े होना पड़ता है वहाँ, और 15 दिन भी खड़े होना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आप गाड़ी खड़ी रखते हैं वहाँ पर, तो उसका कुछ आपको हाल्टिंग चार्जेस भी मिलता है, कुछ पैसा मिलता है या नहीं मिलता है? गाड़ी के हिसाब से है सर, छोटी गाड़ी का अलग हाल्टिंग चार्ज है, बड़ी गाड़ी का अलग। मतलब कहीं ना कहीं मिलता ही है ना? मिलता है, 2,000 छोटी गाड़ी का मिलता है, और बड़ी गाड़ी जैसे जाती है तो 12-14 टायर उसका 3,000 रुपए। अच्छा, 3 प्रतिदिन मिलता है, प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। तो मैंने ये भी सुना है कि जैसे आप गाड़ी आप बॉर्डर में क्रॉसिंग का मतलब अंदर घुसते हैं आप, तो उसमें कोई पास वगैरह भी बनाना पड़ता है? हाँ, वीजा बनता है गाड़ी। अच्छा, और आपका आपके भी कुछ डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं? डॉक्यूमेंट तैयार होंगे ना, ड्राइवर के भी साथ में, गाड़ी के साथ में वीजा बनता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप बांग्लादेश जाते हैं माल लेकर के, तो वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, आपका आधार कार्ड भी क्लियर होना चाहिए, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बिल्कुल हैवी होना चाहिए, और आपका पास भी बनेगा। एक वीज़ा बना के देती है आपको कंपनी, जिस कंपनी का आप माल लोड करके लेके जाते हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। और जैसे कि मान लीजिए कई बार बांग्लादेश में लोड अनलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है, और गाड़ी वाले 5-5, 10-10, 15 दिन वहाँ पे परेशान होते हैं। तो मैं बांग्लादेश रहे बांग्लादेश में, तो दरख्वास्त मैं आपसे ये करूँगा कि अगर आप गाड़ी यहाँ से भेज भी रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके गाड़ियाँ जल्दी खाली करवाएं, ताकि हमारे जो ड्राइवर भाई है वो परेशान ना हो। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, कि GPS आपने इसमें लगवाया हुआ है? हाँ जी सर, लगा हुआ है। तो लगवाया हुआ है, तो GPS की लोकेशन जो है वो एक बार दर्शकों को बता दें कि GPS की जगह कंपनी देती है या नहीं देती है? हाँ, तो पहले क्या हुआ था, जीपीएस वाले को बुलाए थे GPS लगाने के लिए। ओके, उन लोगों ने क्या किया, इधर फोकस करो, ये यहाँ GPS लगा दिया। एक बार इधर दिखाइए, ये वायर, अच्छा, ये वायर जोड़ के इसमें GPS लगा दिया था उन लोगों ने, तो यहाँ GPS लगाना नहीं, जहाँ कंपनी जगह देती है वहाँ GPS लगाना जरूरी है। यहाँ से हटवा के अभी मैंने स्थाई जगह पे लगवाया हुआ है। अच्छा, ये जो आपने मतलब ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप लाल वायर देख रहे हैं, अच्छा, उन्होंने ये वायर काट करके स्टेयरिंग साइड में GPS लगा दिया है। हाँ, जबकि कंपनी ने कहाँ जगह दिया है GPS? कंपनी में उस साइड में जगह दी, उसी के कारण वो गाड़ी में बार बार वायरस आ रहा था। अच्छा, इसी के कारण, यहाँ GPS लगाने के कारण। अच्छा, यहाँ GPS लगा के दिया, मतलब जो GPS लगाने आया था, हाँ, उन्होंने ये GPS यहाँ पर लगा दिया, जबकि इसकी जगह भी नहीं है। इसकी जो मेन जगह, जो लोकेशन दी गई है GPS की, वो उस साइड दी गई है। एक बार हम देख सकते हैं उसको, ये दिखा दीजिए। ये लेफ्ट साइड में इसकी लोकेशन आएगी, दिखा सकते हैं आप। अभी ये GPS इसका वायर है, ये GPS यहाँ लगा हुआ है, इसमें लगाया हुआ GPS, ये जो इसकी कंपनी ने जगह दी हुई है, वायर दिए हुए हैं उसी में GPS लगाएं, दूसरी जगह ना लगाएं।
इससे वायरस आता है और वायर जो अपना BS6 गाड़ी है ये okay. वायर नहीं कटना चाहिए इसका कोई भी, जहाँ स्विच दिए हुए वहाँ लगाओ वायर। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंडक्टर साइड की जो जगह है, ये सीट के नीचे अशोक लीलैंड कंपनी में ये जगह दी गई है, यहाँ पर आप GPS लगवा सकते हैं, जो कि कंपनी की स्पेस दी गई है, कंपनी फिटेड आपको मिलता नहीं है अशोक लीलैंड इस गाड़ी में, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं GPS। तो ये आपने कौन सी कंपनी का GPS लगाया है? ब्लैक बॉस का लगाया है। ये ब्लैक बॉस कंपनी का GPS लगाया है। तो ब्लैक बॉस कंपनी के GPS की सर्विस आप बताइए कि आप कैसे सर्विस आ रही है? सर्विस अच्छी है उसकी, और कभी कभी ऐसा है कि सर्विस जैसे गड़बड़ हो जाती है तो तुरंत सर्विस वाले आते हैं ठीक करने के लिए। तो अभी कोई इसमें गड़बड़ चल रही है? अभी थोड़ा है, फॉल्ट है, अभी बुलाया GPS। तो क्या फॉल्ट आता है मुझे बता सकते? GPS पता नहीं क्या कारण से बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया है। हाँ। तो अभी आपने कब कॉल किया था GPS में, ब्लैक बॉस कंपनी में? अभी कॉल किया हूँ, अभी आ रहा है 10 मिनट में, बोला है 15 मिनट में आ जाएंगे हम यहाँ। ओके, आपका जो भी समस्या है हल करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।